इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, जहां गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पंडिताइन किन्नर और सद्दाम हुसैन पर चार अपराधियों द्वारा हथियार से लैस होकर ITI उनके घर पर हमला किया गया है, जिसमें एक किन्नर के साथ उसके एक सहयोगी को गोली लगी है, जिसका इलाज बेतिया GMCH में चल रहा है। पंडिताइन किन्नर को जांघ पर और सद्दाम नामक व्यक्ति को कुल्हे पर गोली लगी है, जिसमें दोनों की जान बाल बाल बची है। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से एक अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि पंडिताइन किन्नर का पहले से गुड्डू अंसारी नामक व्यक्ति से संबंध था, लेकिन पिछले दो वर्षों से उसका संबंध टूट गया था, जिसका खुन्नस गुड्डू अंसारी को था और वह बीच बीच में जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। आज संध्या 3 बजे के आसपास अचानक से अपने साथियों के साथ ITI पंडिताइन किन्नर के निवास पर पहुंचा और मारपीट करने लगा। इसी दौरान हथियार निकालकर चला दिया, जिसके बाद वह व्यक्ति भाग गया, जिसमें उसका एक सहयोगी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। घायल पंडिताइन किन्नर और सद्दाम हुसैन का इलाज बेतिया GMCH में चल रहा है। घटना पहले से गुड्डू अंसारी से हमको विवाद चल रहा था, ठीक है, तो धमकी भी दिया, मेरा नंबर गाड़ी भी नहीं दिया, बोले गाड़ी दे तो नहीं दिया, उसके बाद बोला नहीं देंगे तो क्या करेगा तू, तो बोले कुछ नहीं करूँ, मेरा गाड़ी दे दो, धमकी दिया मार दो, तो मार दिया। रात में भी आया था वो, तो हम गेट खोले तो बोला पानी, तो बोले किन्नर के घर में 9 बजे रात से तू पानी ले जाए, नहीं है पानी, तो गाली को लौट गया, उसके बाद में मारे बोले तो भाग गया, गाड़ी भी छीने तो बगल में ठाकुर यादव है, तो बोले ठीक है तो गेट खोलो, चाबी दे दो, हम देख ले, तो उसके बाद में वो चला गया, लो चाबी दे दी चला गया। लो फिर 3 बजे करीब में हम लोग बधाई करके आए, तो वो आया गेट खुलवाया, गाली को लौट लगने पर गुड्डू अंसारी हमको गोली मारा, हमको और सद्दाम अंसारी। सद्दाम जी का आप ही घर रहते हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? पंडिताइन किन्नर